मध्य प्रदेश सरकार ने 3.14 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इन महिलाओं को मिलेंगे प्रति माह 1,000 रुपये। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन के रूप में ही तैयार की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके मद्देनजर इस घोषणा को अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विधानसभा से बहिर्गमन किया है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं की। उन्होंने इसे जनता का बजट बताया है। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार लाडली बहना योजना प्रदेश में 5 मार्च से लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत आयकर नहीं देने वाली महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। पेयजल मिशन पर सरकार का जोर। देवड़ा ने कहा कि बजट में अनुसूचित जनजाति के लिए 36,950.16 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 26,086.81 करोड़ रुपए, सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 11,406 करोड़ रुपए, प्राथमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 7,332 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 15वें वित्तीय वर्ष के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता को 6,935 करोड़ रुपए का प्रावधान है। LPG सिलेंडर की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने हंगामे और वॉकआउट के बीच देवड़ा ने प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कुल विनियोग की राशि 3,14,024.84 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, तथा कुल शुद्ध व्यय 2,81,553.6 करोड़ रुपयों का है। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन के अनुरूप तैयार की गई हैं। उन्होंने इसे जनता का बजट बताते हुए कहा कि बजट तैयार करने में विभिन्न माध्यमों से जनता के सुझाव प्राप्त कर उन्हें शामिल करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में राजस्व अधिक 412.76 करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.02% रहने का अनुमान है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,25,709.90 करोड़ रुपये हैं, जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 86,499.98 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 80,183.67 करोड़ रुपये, कत्तेतर कर राजस्व 14,913.10 करोड़ रुपये तथा केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,113.15 करोड़ रुपये शामिल है।